So we are starting with calculus and specifically derivative. ठीक है, कैलकुलस में वी हैव टू रियलाइज, तो अभी डेरिवेटिव ही बोल देता हूँ, कैलकुलस तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे, सो लेट्स जस्ट कॉल इट डेरिवेटिव्स। अच्छा, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, द वन ऑफ द मेन रीजंस वी कैलकुलेट डेरिवेटिव्स एंड एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स कि हम क्यों निकालते हैं। नाउ यू माइट हैव अप टिल नाउ, अब तुम क्योंकि पूरी 11th की इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी एंड बहुत चीजें पढ़ चुके हो कि अ लॉट ऑफ दैट रिवॉल्व्स अराउंड ग्राफ्स, अ लॉट ऑफ इट रिवॉल्व्स अराउंड ग्राफ्स, यू बीट पीपीसी, बीट डिमांड कर्व। सो अभी तक आपने जो डिमांड कर्व्स एंड सब कुछ पढ़े वो क्या पढ़े, स्ट्रेट लाइंस पढ़े, बट यू रियलाइज दैट दे विल नॉट बी स्ट्रेट लाइंस। लेट्स टॉक अबाउट आईसी इन जनरल, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है आप लोगों ने, तो इंडिफरेंस कर्व जो आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, आपने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब अगर ये ओरिजिन है 0,0, इसकी तरफ बल्ज आउट है। नाउ नॉट ऑल द इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इफ यू वांट टू डिटरमाइन इफ द जो इंडिफरेंस कर्व गिवन टू यू इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दैट इज हाउ यू डू इन मैथमेटिक्स। सो यू कैन प्रूव द कन्वेक्सिटी, यू कैन प्रूव द कन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व थ्रू डेरिवेटिव्स। Why through derivatives? Because derivatives at its roots is simply the slope of anything. So let's just talk about simple things in the beginning. तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए स्लोप के बारे में। When I talk about slope, one of the best things to start explanation of a slope is through the understanding of a slope of a line. Now, what's so special about a line and the slope of a line is the slope of a line stays fixed. A linear graph, a slope, a line is a linear graph. A linear graph will have constant slope. तो मैं याद भी होगा कि हमने सीखा था line की equation होती है y equal to mx plus c, और यहाँ पे m क्या represent करता है, slope. ये याद है क्या हमने सब करता है? Intercept, intercept. This is intercept. This constant value is the intercept. इस point की बात कर रहा है, y intercept की बात कर रहा है, और स्लोप डिटरमाइन करती है कि कोई चीज कितनी स्टीप है। तो अगर मैं आपको दो चीज, दो लाइंस दू, लेट्स से मैं आपको दो लाइंस देता हूँ, लेट्स दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स, एंड आई आस्क यू व्हिच इज स्टीपर, व्हिच इज स्टीपर, सो यू से दैट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज स्टीपर। सो व्हाट इट मींस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज स्टीपर, मींस इसका जो स्लोप है दैट इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ देर इज स्टिल अ प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स दिस वे। सिंस लाइन में एक कॉन्स्टेंट स्लोप होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं एक कर्व बनाऊं तो इसकी स्लोप क्या हो, कॉन्स्टेंट। इफ इट स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएटिंग द होल फंक्शन, इफ दिस इज अ फंक्शन लेट्स से एच ऑफ एक्स, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं दिस विल नॉट गिव यू द स्लोप। डिफरेंशिएटिंग द अंडरस्टैंड, डेरिवेटिव से हम स्लोप निकालते हैं, लेकिन हम किसी भी रैंडम फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं ना, वो हमें स्लोप नहीं देगा, वो हमें स्लोप नहीं देगा, मतलब एक पॉइंट, बिकॉज उसकी स्लोप तो चेंजिंग है ना। सो व्हाट वुड हैपन इज थिंक अबाउट, उसके लिए क्या मैंडेट भी होना चाहिए कि मतलब कि जिसका डेरिवेटिव निकालना तो सही नहीं है। मैं समझाता हूँ कि वो स्लोप कब देगा यही बताता है। सो जैसे मान लो एच ऑफ एक्स का मैं तुम्हें दे देता हूँ एक, लेट्स से वी हैव एच ऑफ एक्स, और ऐसा बनाते हैं जो हम रिकॉग्नाइज कर पाए। रिमेम्बर अपवर्ड पैराबोला, यू रिमेम्बर अपवर्ड पैराबोला। तो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ, मान लो ये इसकी इक्वेशन याद है किसी को, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये वो है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, वाई, तुमने जो सोचा वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और वो ये बनता है। वो साइडवेज बनता है लेफ्ट राइट, हाँ, सो वो एक बेसिकली जगह प्लस मैं एक्स। तुम्हें दे रहा हूँ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं बेसिक पावर रूल याद होगा डिफरेंशिएशन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, सो इसकी क्या हो जाएगी, टू एक्स टू एक्स टू माइनस वन,
which is simply 2x. So let's just understand कि यहाँ पे जो derivative निकालने का मतलब क्या होता है. यहाँ पे derivative निकालने का ये मतलब होता है कि depending on x की क्या value है. अगर मैं कोई भी point पे x की value लूँ, let's say मैं इस point की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं x की value लूँ इस पे, let's say this is 3, तो ये क्या दे देगा, line का slope दे देगा. So जब derivatives हम एक पूरे ग्राफ का निकालते हैं, which is not a linear graph, तो वो क्या देता है, एक डायनेमिक वैल्यू देता है. वो ये बताता है कि जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज करूंगा, वैसे वैसे मेरी स्लोप कैसे चेंज हो रही है. जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज करूंगा, वैसे वैसे मेरी स्लोप कैसे चेंज हो रही है, वो ये बता रहा है. थिंक अबाउट अ लीनियर ग्राफ, लेट्स से वाई इक्वल टू 3x+4 लू मैं, और इसको डिफरेंशिएट करूं मैं dy/dx, ये क्या आएगा, सिंपली 3, विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, विच प्रूव्स द फैक्ट कि डिफरेंशिएशन फॉर लीनियर ग्राफ्स विल बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, कि उसकी उसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है. बट इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, डायनेमिक है. क्या कांस्टेंट मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू. हाँ, इसका 0 होगा, 4 का 0 होगा, लेकिन 3x तो, मतलब 3x तो वेरिएबल है ना, तो 3 × x^2, ये क्या, x^1 है, तो बेसिकली 1 × x^1 − 1, व्हिच इज 1 × x^0, व्हिच इज 1 × 1, व्हिच इज 1. तो x की क्या आ गई, 1, और 3 कांस्टेंट है तो उसके आगे आ गया, ठीक है. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन करने से आपको एक्चुअली मिलता स्लोप ही है, बट थिंकिंग अबाउट स्लोप एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज व्हेन आई से कि कोई चीज किसी की स्लोप दे रही है, यू माइट थिंक कि वो एक फिक्स वैल्यू दे रही है. नो, इट्स नॉट गिविंग यू फिक्स वैल्यू, वो आपको एक फॉर्मूला दे रहा है जिससे आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो. नाउ व्हाई इज दिस नेसेसरी, कि क्या जरूरत क्या है स्लोप की, लेट मी टीच यू दैट ऑल्सो. तो तुमने एक और चीज पढ़ी होगी जब तुमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा. सर, जैसे कि हम लोग स्लोप नहीं निकालते, तो स्लोप हम जरूरी थोड़ी है कि डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, हम उससे भी निकालते हैं एग्जैक्टली, हाँ x1 − x2 हम, लेकिन वो जो फॉर्म अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ, उसी के बारे में बात करेंगे, जो नेक्स्ट आपका डाउट है वही क्लियर करेगा. उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि स्लोप निकालने का पॉइंट क्या बनता है. इवन इन इकोनॉमिक्स, सर आपने आईसी की बात तो करी, कॉन्वेक्सिटी की बात तो करी, लेकिन डायनेमिक स्लोप मतलब अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो उससे हमारा फायदा क्या है. इससे फायदा ये है, ये सोच के देखो, एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, और याद है तुमने एक चीज पढ़ी थी कि जिस पॉइंट पे मेरा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को क्या होता है, टच करता है, टेंजेंट होता है उससे, जब इस दोनों को टेंजेंट होता है तब हम बोलते हैं कि वो मेरा इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने. सो सर. हाउ डू यू फाइंड द इक्विलिब्रियम इन अ कर्व, व्हाट यू डू इज, आप इस लाइन की, लेट्स से इस लाइन की इक्वेशन में देता हूँ x+y = 3, ठीक है. लेट्स से मैं इस स्लोप की, इस कॉनकेव ग्राफ की इक्वेशन आपको देता हूँ, सॉरी कॉन्वेक्स ग्राफ की मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, y = व्हाट शुड आई गिव यू सो दैट इट्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कोई मतलब, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग, गोइंग टू गिव यू रैंडम एग्जांपल, लेट मी गिव यू दिस एज y − √x − 3 ले लेना, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, आई गिव यू दिस ग्राफ, ओके. नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल, ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग जो तुम्हें इवेंचुअली चेन रूल से करते हो तुम, तो बेसिकली दिस इज x − 3 to the power 1/2, तो व्हाट विल डू इज 1/2 सेम x − 3 to the power 1/2 − 1 into x − 3 की डिफरेंशिएशन 1, सो दिस गिव्स अस 1/2 √x − 3 into, ऊपर 1 आया तो सिंपली 1/2 √x − 3, ठीक है. एंड वी वांट दिस टू बी इक्वल टू, ये √x − 3 आया बिकॉज 1 − 2 − 1 कितना हुआ, −1/2, तो −1/2 का मतलब 1/√ हो गया, तो इसलिए आ गया. अच्छा, नाउ सेकेंड थिंग, कि हमें इसकी स्लोप किसके इक्वल करनी है, वी वांट द पॉइंट जिस पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे, सेम पॉइंट, तो इसकी स्लोप इसके इक्वल करनी है. इसकी स्लोप कैसे इक्वल करेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1 + y की डिफरेंशिएशन डी dy बाय माइनस dx इज इक्वल्स टू 0, तो dy बाय dx क्या आ गया, वन -1. सो वी वांट दीस टू स्लोप्स टू बी इक्वल, व्हिच मींस वी वांट 1/2 √x − 3 शुड बी इक्वल टू माइनस वन -1, व्हिच मींस 1/2 शुड बी इक्वल टू −√x − 3. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, 1/4 = x − 3,
सब एक्स माइनस भी तो रहेगा। माइनस का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा सो वी हैव थ्री इधर भेज देते हैं, 1/4 + 3 इज इक्वल्स टू एक्स, विच मीन्स एक्स कितना आ गया, एक्स इज इक्वल्स जो टू 13/4 = x। और अगर x 13/4 है, y की इक्वेशन क्या है, y इज कैलकुलेटेड बाय इस इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल्स टू 3 - x, विच इज 13/4 - x, विच गिव्स 13 - 4। ओ सॉरी, हाँ 3, सही तो लिख लो, 3 - x, ओ 3 - 13/4, विच इज इक्वल्स टू -1/4। सो यू नोटिस, इवन तो मैंने इसे पॉजिटिव एक्सिस में बनाया, बट ये जो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या है, एक्स इज 13/4 एंड वाई इज -1/4। बोलो। हाँ, सो बेसिकली व्हाट दिस पॉइंट गेव यू इज, याद है ये बता रहा था क्वांटिटी ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ वाई, तो बेसिकली ये बोल रहा है 13/4 क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड -1/4 क्वांटिटी ऑफ वाई। तो अगर रियल वर्ल्ड में तुम्हें एक क्वेश्चन मिला होता तो तुम बोलते कि ये तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि वो जो मेरा गुड टू है, जो मेरा गुड टू है, जो गुड मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, वो इतना ज्यादा, मतलब वो इतना ज्यादा प्रेफर मैं करता हूँ कि दूसरे वाले का मेरे को नेगेटिव लेना पड़ रहा है उसको इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। सो दिस इज हाउ यू मैथमेटिकली सॉल्व अ क्वेश्चन, जिसमें ये तो तुम कर ही चुके थे ना, तुम ये तो कर ही चुके हो, तुम क्या कर चुके हो, तुम कर चुके हो इंडिफरेंस कर्व का क्या था, एम आर एक्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई वॉज वॉट, स्लोप ऑफ, हाँ तो विच इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड एम आर एस वॉज स्लोप ऑफ आईसी। सो दिस इज हाउ मैथमेटिक्स इज फन दैट वे, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट दिस। नाउ द थिंग इज, मैथ्स डू नॉट स्टॉप एट दिस, यू कैन ऑल्सो डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल दिया है, बट यू माइट नेवर थिंक कि आईसीज आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यू कैन हैव आईसीज लाइक दिस। हाउ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कभी आईसी देखा है तुमने? मैं नहीं याद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तुम्हें तुम्हारी कोर्स में है वैसे, ग्राफ ग्राफ भी दे रखा है आपको, डीप गर्मी ग्राफ है, क्या बात कर रहे हो, तुमने ऐसे ग्राफ, मैं तुम ग्राफ बना के दिखा दूं तुम्हें, याद है मे बी कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो तो उसमें ठीक गुड मतलब अगर टी है तो बिल चाहिए ही होगा है, तो स्काई सी ऐसा होता है, समझाता क्योंकि हूँ, तो सेम ही क्वांटिटी चाहिए ना, नहीं तो नहीं समझाता हूँ समझाता, सोच के देखो, देखो आईसी किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आईसी किस पे डिपेंड कर रहा है, आईसी डिपेंड कर रहा है कि एक की क्वांटिटी और दूसरी की क्वांटिटी कितनी बढ़ाऊं मैं, बेसिकली अगर एक की क्वांटिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं करता रहूंगा, तो अगर वो दूसरा क्या है, अगर वो दूसरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो मैं वो करता रहूंगा, ठीक है, मैं क्यों, मतलब मैं स्विच क्यों करूंगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्विचिंग। तो बेसिकली मतलब अगेन दीज आर ऑल थिंग्स यू विल इवेंचुअली स्टडी, बट अगर ऐसा आईसी हुआ तो डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते। अच्छा कॉन्सेप्ट नो नो, आई विल टीच, so let's get back to differentiation and I'll teach you about different graphs and different, don't worry, मतलब मैं तुम्हें पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, everything that you have studied in economics I will teach you how, why is it important in mathematics to do that same thing, ठीक है, why is it कि जब MC curve ऐसे ऊपर जाता है तो मैं उसके नीचे वाले पॉइंट को नहीं कंसिडर करता, ऊपर क्यों करता हूँ, मैथमेटिकली ऑल ऑफ दिस कैन बी डिटरमाइंड मैथमेटिकली, दैट्स द फन अबाउट यूजिंग अप्लाइड मैथ्स। स्लोप बस हम चेंज निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्टली, द थिंग इज कि हम स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमें ऑल आउट ऑफ टाइम इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू सी कि कौन, मतलब दोनों दोनों पॉइंट टेंजेंट कब होंगे, और टेंजेंट होने का मतलब दो चीजों का मतलब होता है उन दोनों की उस पॉइंट पे स्लोप इक्वल है, इफ आई से समथिंग इज टेंजेंट टू एट दैट पॉइंट व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग इज द स्लोप ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट। और मैं कभी भी डेरिवेटिव भी निकाल रहा हूँ तो डेरिवेटिव निकालने का मतलब यही है कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन टेंजेंट बना दूं तो इसकी स्लोप क्या होगा, इस लाइन की स्लोप क्या होगा, यही होता है डेरिवेटिव निकालने का मतलब किसी कर्व का। अगर मैं कोई कर्व ऐसा बना दूं, लेट्स से आई मेक अ कर्व लाइक दिस एंड मैं पूछता हूं कि बेटा बताओ इस पे इसकी स्लोप क्या है इस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना दो और इस लाइन की स्लोप निकालो, एंड इफ एट ऑल आई कैन डिटरमाइन, फॉर एग्जांपल इफ एट ऑल आई कैन डिटरमाइन इस टेंजेंट में एंगल क्या है, लेट्स से दिस एंगल कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, देन तो मुझे सिंपल फॉर्मूला लगाना है स्लोप के लिए, विच इज पढ़ा tan 45 tan थीटा, विच इज tan 45 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या है इस पॉइंट पे, 1। एंड अंडरस्टैंड व्हेन आई से समथिंग स्लोप इज 1, इट मींस कि दोनों के चेंजेस इक्वल, मतलब 1 1 यूनिट ऑफ y विल गिव मी
one change in one unit of x will change one unit of y. That is the meaning of slope one. एक का बढ़ेगा तो दूसरे का sacrifice है. हाँ depend no no one that is minus one slope. माइनस वन स्लोप मीन्स कि एक बढ़ने से दूसरा क्या होता है एक कम होता है. प्लस वन स्लोप मीन्स एक बढ़ने से दूसरा भी एक बढ़ता है. डायरेक्ट रिलेशन द डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट मतलब लाइन अगर ऐसे बने तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. कैसी लाइन बने? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री तो इनवर्स रिलेशन होगा. तो सप्लीमेंट इसलिए जो हमारे वो होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी आईसी ट्रेस करना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो. मतलब उसके लिए बजट लाइन टेंजेंसी पे नहीं होता. टेंजेंसी इज नो लॉन्गर ऑप्शन बिकॉज वो तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे. नहीं मतलब डिपेंड करता है ना अगर तेरी बजट लाइन की स्लोप उससे ज्यादा है तो फिर मैक्सिमम बेनिफिट कब हो रहा है? मैक्सिमम बेनिफिट इस पॉइंट पे हो रहा है. अगर स्लोप उसकी कम है तो मैक्सिमम बेनिफिट इस पॉइंट पे हो रहा है. अगर स्लोप उसके इक्वल है तो कुछ भी ले लो कभी भी ले लो खुश है कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी ले लो. मतलब कौन साइड कहिए नहीं. अगेन ऑल ऑफ दिस इज समथिंग यू विल स्टडी इन क्लासेस इफ यू टेक इफ यू परस्यू. मतलब अगर तुम्हारे कोर्स में कहीं भी इकोनॉमिक्स आता है तो डेफिनेटली या मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आता है या इनफैक्ट मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस भी आता है. यू विल बी यूजिंग ऑल ऑफ दिस बट ग्राफ नो नो द थिंग इज कि यू विल बी टॉप ऑफ योर क्लास अगर तुम अभी सब कुछ सुनो तो नो वन वुड इवन नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड यू वुड यू कुड ऑलरेडी सॉल्व ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन. नो इट डज नॉट मैटर दीस आर नॉट पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथ्स कोर्स. What I'm teaching you is not a part of your course. What I'm teaching you is understanding why derivatives are used and how they are used so that you have a complete picture of what derivative is. Outside of your class, ask someone what derivative is, they will be blank. They do not know what derivative is. What derivative is basically slope. लेकिन अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज हम डेरिवेटिव्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं. यू कैन मेजर द रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव. रेट ऑफ चेंज कभी कभी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज भी निकालते हैं. क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज. अब तुम्हें अभी लगेगा कि ये तो जिंदगी में हम कभी करते कर ही नहीं सकते. एक्सेलरेशन याद है स्पीड क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम. एक्सेलरेशन क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ओवर टाइम. तो बेसिकली आप रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज निकालते थे. यू वर टेक्निकली डबल डिफरेंशिएटिंग एनी यू डिड नॉट रियलाइज इट. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. Don't worry, मतलब the reason you are not interested in science is not because science बेकार है, because कि तुम्हें पता नहीं था. मतलब जैसे कि हमें average profit निकालना होता है, तो हाँ मतलब जैसे फिर उसमें super profit निकलता है. मतलब if you think about it, let's say कि तुम निकाल रहे हो country की growth निकाल रहे हो over the years, ठीक है? Change in growth निकाल रहे हो तो तुम rate of change निकाल रहे हो. तुम change in growth rate निकाल रहे हो तो तुम rate of change निकाल रहे हो. ग्रोथ रेट का भी तो चेंज दे सकते हैं ना. जब तुम जीडीपी प्लॉट करते हो जीडीपी तो तुम्हें ऐसा ग्राफ मिलता है. जब तुम चेंज इन जीडीपी प्लॉट करते हो तो तुम्हें ऐसा ग्राफ मिलता है क्योंकि चेंज इन जीडीपी तो मतलब ज्यादा कम ही होगी ना. ये थोड़ी कि मतलब एकदम से शूट अप. वो तो बहुत अच्छा है कंट्री के लिए. अगर चेंज इन जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो जैसे कि जीडीपी तो बहुत बढ़िया लगी इतना ड्रास्टिक चेंज तो नो नो मैं जैसे अगेन स्केल दिस इज स्केल स्केल प्रॉब्लम दिस इज स्केल प्रॉब्लम. मैं स्केल चेंज कर रहा हूं मतलब तुम्हें क्या पता स्केल क्या है. अगेन स्टैटिस्टिक्स टू आवर बेनिफिट्स. मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ भी स्केल ले सकता हूँ ना. मैं यहाँ पे 0.012 और 0.02 लूँ तो मतलब इतना भी बनाऊँ तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया. वो तो स्केल प्रॉब्लम है. दिस इज स्केल प्रॉब्लम. एनीवेज लेट्स कम बैक टू कि हाउ एंड हाउ डू वी गेट डेरिवेटिव्स. बाय द वे बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमें समझ आई क्या है कि वो स्लोप निकाल रहा है. और स्लोप क्या निकाल रहा है? अगर एक कर्व के लिए हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं अगर एक कर्व के लिए हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो वो उस पॉइंट पॉइंट पे क्या मेजर कर रहा है? उस लाइन की स्लोप. ठीक है उस लाइन की स्लोप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स. ऑब्वियसली वाई पे हम क्या प्लॉट करते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लॉट करते हैं. ठीक है अब किसी चीज की स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है? एक स्लोप निकालने का तरीका तो होता है ये सब हम सीख चुके हैं अगर आपको याद हो तो. अगर एक लाइन की आपको स्लोप निकालनी है आप लेते हो उस पर दो पॉइंट्स. एक को बुलाते हो एक्स वन वाई वन एक को बुलाते हो एक्स टू वाई टू. और लाइन की स्लोप निकालना इतना ही सिंपल है. स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन. है ना ऐसे ही स्लोप निकालते हो. ठीक है इसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. याद रखना काफी लोग आई मीन मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग मैंने देखे जिन्हें लगता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज सेम एज डी वाई बाय डी एक्स. समझाऊंगा क्यों लगता है लोगों को ये भी समझाऊंगा क्यों वैल्यू भी सेम आती है. और एक और रीजन है कि मतलब टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ विल गिव यू ये भी स्लोप दे रहा है वो भी स्लोप दे रहा है ये भी स्लोप दे रहा है वो भी स्लोप दे रहा है.
हाँ मतलब थिंग इज दे आर थिंकिंग अबाउट अ लाइन, फॉर अ लाइन दीज टू विल बी सेम, बट आई लाइक एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. सो दिस इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं एक्स की एक वैल्यू लेता हूँ, ये है मेरा एक्स, ठीक है. इसके बाद इस पे वैल्यू क्या है, इस पे कोई वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई विच इज एफ ऑफ एक्स. इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इससे एक पॉइंट, मतलब मुझे दो पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट ये हो गया मेरा विच इज एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, एक पॉइंट में लेता हूँ इससे ऊपर, यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, इस लाइन पे मैं ले रहा हूँ, इस लाइन पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ इससे ऊपर, एंड दिस विल बी, इसमें मैं कर रहा हूँ प्लस एच, ठीक है. तो इस इतने गैप में, लेट्स से दिस गैप इज प्लस एच, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच, तो दिस पॉइंट विल बी एक्स प्लस एच. इसको अगर ट्रेस करेंगे हम, व्हाट डू वी गेट, दिस इज आर एफ ऑफ एक्स प्लस एच. तो फंक्शन की एक्स एक्स प्लस एच पे जो वैल्यू होगी, फर्क क्या पड़ता है, हम तो बोल रहे हैं फंक्शन की एक्स प्लस एच पे जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी नहीं पता मुझे. तो इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच. देखो f of x plus h क्यों x minus h होगा ना, कब मैं बोल रहा हूँ एच माइनस क्यों होगा, होगा? वाई की वैल्यू कम हुई है, वाई की वैल्यू कम हुई है, लेकिन वाई की वैल्यू कम भी हुई है तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे ही तो हुई है. ये तो देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब उसमें इनपुट क्या डाल रहा हूँ मैं, इनपुट तो बड़ा ही है मेरा. एफ ऑफ एक्स प्लस एच हैज नथिंग टू डू विद वाई की वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई. इट्स लाइक सेइंग कि एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंट वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज अ डिफरेंट वेरिएबल. मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन तो बता ही नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ इनपुट चेंज करने से क्या हो रहा है, ठीक है. अच्छा, अब स्लोप कैसे निकालेंगे हम, स्लोप निकालेंगे हम वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन. सो वी हैव डेल वाई बाय डेल एक्स विच इज स्लोप इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ वाई टू कितना है, वाई टू इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच. अभी आप क्या करें, इसको यूज नहीं कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? नहीं, वाई टू की वैल्यू ही तो है वो, मैं कह रहा हूँ वाई टू की वैल्यू यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं वाई नहीं यूज कर रहा उसे, उसे वाई नहीं बुला रहा, मैं बोल रहा हूँ वो एक पॉइंट पे एक्स को सोच के देखो. लेट्स से जैसे एक दूसरा ग्राफ सोचो, लेट्स से यहाँ ये पॉइंट है 3,2, तो बेसिकली एफ ऑफ टू कितना आता है, एफ ऑफ थ्री कितना आता है, एफ ऑफ थ्री कितना आता है 2, यही मतलब होता है इसका. ये एक्स की वैल्यू देता है, ये वाई की वैल्यू देता है. और मैं आगे का पॉइंट लेता हूँ एक, लेट्स से आगे का पॉइंट आया 4,1, तो एफ ऑफ 4 कितना है 1. अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ 3,f(3) एंड 4,f(4). अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं तो एफ ऑफ लिख रहा हूँ ना, तो वही करा है मैंने यहाँ पे, वही करा है मैंने यहाँ पे, ठीक है. अच्छा आप ये देखो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये दोनों कट गए. फाइनल आंसर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. नाउ नाउ द थिंग इज कि ये मुझे इस लाइन की स्लोप दे रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये लाइन की मैं जब भी स्लोप निकालूंगा, मेरा जो ग्राफ है, अगर मैं जूम इन करके छोटा सा एक पार्ट बनाऊं इस ग्राफ का, ठीक है, अगर मैं जूम इन करके इस ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट बनाऊं, थिंक अबाउट इट कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है और मेरा ग्राफ कैसा है, कर्व्ड है. तो मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को लूंगा तो बेसिकली ये तो इनएक्यूरेट आंसर देगा. व्हाट आई वांट इज कि इसका जो गैप हो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो, इसका जो गैप हो वो छोटा होता जाए, छोटा होता जाए, जीरो, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जीरो ना हो, क्योंकि हम तो दो पॉइंट्स होंगे ही नहीं फिर वो, अगर एग्जैक्टली जीरो हो गया तो दो पॉइंट्स नहीं होंगे, बट हमें गैप कम से कम चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी वॉन्ट द गैप टू बी जीरो एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव. दिस इज द डेफिनेशन फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, एंड दिस इज व्हाट स्टैंड्स फॉर डी वाई बाय डी एक्स. सो व्हेन योर डेल वाई बाय डेल एक्स के लिए जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, जो वाई टू माइनस वाई वन के लिए मैंने पॉइंट्स लिए हैं, वो इनफाइनाइटली क्लोज आ जाते हैं, तब वो क्या बन जाता है, डिफरेंसिएशन बन जाता है. सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या था, डेल वाई बाय डेल एक्स में, डेल वाई बाय डेल एक्स दो पॉइंट कितने भी दूर हो सकते हैं, लेकिन डी वाई बाय डी एक्स में डी का मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइटली क्लोज आ सकते बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, पर एक वो पॉइंट पे नहीं. क्या कम हाँ, वही तो बताया कि कम से कम होगा तभी तो बता पाऊंगा मैं इसकी स्लोप क्या है, वरना तो बेटा ये गलत स्लोप देगा. जितनी लाइन दूर जितनी लाइन आगे जाती जा रही है उतना ग्राफ से दूर जाती जा रही है. वी वांट की लाइन ग्राफ से बिल्कुल पास हो, वो कब होगा, जब वो इनफाइनाइटली पास है, लेकिन हमें दो पॉइंट्स भी चाहिए तो इसलिए मैं जीरो भी नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कर दिया. तो मतलब हम अगर
दिस इज हाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज। तो मतलब जो ये डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है उसमें ये है कि आप कितनी भी कितनी भी दूर, दूर हो सकते हो बिकॉज वो लाइन के लिए और है। उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स ओरिजिनल वाला है उसमें है कि मतलब पास हो, बहुत बहुत पास हो, तो बात तो एक ही, अगर हम बहुत पास ले रहे तो दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगे हमें। एग्जैक्टली वही, तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है दोनों सेम बात है, बट दोनों सेम बातें नहीं, बिकॉज अगर लाइन है तो सेम बात है, लेकिन अगर कर्व है तो क्योंकि सेम बात तो बिल्कुल नहीं है ना। वो तो पास है, वो बड़े दूर से लेते हैं। लाइन के लिए सेम बात है तो भी निकल पाए, गलत सर निकल। आपने हमें डेरिवेशन सिखाई थी। सो अब यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डेरिवेशन है। नाउ लेट्स थिंक अ लिटिल बिट फर्दर अबाउट कि जब हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिल गया है हमें, तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इसकी, रादर देन हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है कि दो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम से ही हमें स्लोप निकाल के दे रहा है, लेकिन अब हम हर पॉइंट के लिए स्लोप निकाल सकते। सो नाउ थिंक अबाउट इट, व्हेन आई गिव यू अ ग्राफ लाइक दिस, इफ आई गिव यू अ ग्राफ लाइक दिस एंड थिंक अबाउट दिस ग्राफ, स्लोप का मतलब सिर्फ एक तरीके से याद रखना, स्लोप का मतलब होता है कोई चीज कितनी स्टीप है, ठीक है। मतलब ये सोचो कि मैं उस ग्राफ पे अगर एक डायरेक्शन में चढ़ने की कोशिश करूं तो मेरे लिए स्टीप हो रहा है या फिर फ्लैट हो रहा है, ठीक है। स्टीप हो रहा है मतलब एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में उस पर चढ़ने की कोशिश करूं तो स्टीप हो रहा है या फ्लैट हो रहा है, वो आपको बताएगी कि वो स्लोप कैसे हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है या स्लोप डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक अ ग्राफ लाइक दिस एंड आई एम मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो सोच के देखो, पहले पहले चढ़ना मुश्किल है इस पहाड़ पे, एंड धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते क्या हो रहा है, फ्लैटर होता जा रहा है, तो मेरे लिए आसान है। सो दिस इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ कि मेरा क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। एंड यू कैन इवन थिंक अबाउट इट इन अ रादर डिफरेंट वे, अगर मैं इस पॉइंट पे लेट्स से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और लेट्स से 45 डिग्री है, और मैं इस पॉइंट पे एक और लाइन बनाता हूँ, तो ये क्या एंगल छोटा होगा बड़ा होगा बड़ा इस पॉइंट, मतलब आगे, मतलब वो लेट्स से, डिपेंड करता है हाँ सर, आप कहाँ से देख रहे हो। अगर लेट्स से सिर्फ ए पॉइंट है, नो एक्स सिर्फ वो एक्सिस का सिर्फ नहीं एंगल, लेके ए पॉइंट लिया मैंने, लेट्स से बी पॉइंट लेता हूँ, और बी पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, इस एंगल की बात करो मेरा, ये एंगल 45 से छोटा होगा बड़ा होगा, ये तो छोटा होगा फिर 45 से छोटा होगा, लेट्स से 30 डिग्री है। अच्छा मुझे बताओ टैन 45 कितना होता है, बन टैन 45 1 होता है, तो इसकी स्लोप क्या थी, बन 1 थी पहले, अब टैन 30 की बात करते हैं, बाय रूट थ्री टैन 30 होता है 1/√3, जस्ट सो यू नो 1/√3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.7, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन, डेढ़ ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगी, है ना। तो यू कैन सी द स्लोप डिक्रीज है, यू कैन इवन थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, नाउ यू माइट आस्क कि सर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट अगेन, कि मुझे स्लोप में चेंज के आरएस से क्या फर्क पड़ता है। मुझे अगर स्लोप मिल गई तो मैं इक्विलिब्रियम निकाल सकता हूँ, तो मैं चेंज इन स्लोप में क्या करूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू एग्जैक्ट अनदर क्वेश्चन जो तुमने इकोनॉमिक्स में करा है, विच इज, याद है जब तुम कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू से वो करते थे, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, सो तुम्हारे पास तो एक डी आर डीबीसी ये तुम्हारी, अच्छा, ये वो हाँ हाँ ये तुम्हारी ठीक मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो ये तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और लेट्स से मैं इसके थ्रू एक, मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब सोसी हाँ मैं टोटल कॉस्ट भी होता था, लेकिन हमें जब इक्विलिब्रियम के टाइम क्या करते थे, तो को बेसिकली टोटल ना फिक्स्ड कॉस्ट क्यों कर रहे हो तुम सर, इसके फिक्स क्यों कर रहे हो, अरे भाई मैं नो ये मैथ इंक्रीज, ठीक है ये अब टोटल कॉस्ट ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना, खुश ना, मैंने ऐसे जोक नहीं बनाया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती थी इन क्वेश्चंस में, तुम ये चीज पढ़ते भी थे कि सर हमें ना दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलते थे, एक ये भी मिलता था और एक ये भी मिलता था, और हम एक स्टेटमेंट कहते थे उसके बाद कि अगर दो पॉइंट मिले तो हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे जिसमें मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, याद है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग होता था तो मेरा ये सरप्लस आ सकता था, वो तो मैंने छोड़ दिया, तो इसलिए मैं क्या था इंक्रीजिंग हो, तुम बताओ कैसे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग है, तो बिकॉज यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, तो डीवाई बेसिकली ये यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, रिड्यूसिंग स्लोप है, तो यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स जो आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे कम होता जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स जो आएगा वो इंक्रीज होता जाएगा, तो जस्ट बाय मैथमेटिक्स विदाउट प्लॉटिंग एनी ऑफ दोस ग्राफ व्हिच यू आर सीइंग ग्राफिकली कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप कैलकुलेट करके ये बता पाओगे कि क्या मिल रहा है हमें, इंक्रीजिंग स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि रेड वाला जो इंजन है वहां पर अभी जो प्रोड्यूसर है वो और प्रोड्यूस करके और सरप्लस कमा सकता सरप्लस कमा सकता है, एग्जैक्ट। तो इफ यू हैव टू पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हाउ डू यू डिसाइड व्हिच इज द राइट, यू डिसाइडेड थ्रू कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डू यू कैलकुलेट डेरिवेटिव्स, सर डेरिवेटिव समझ आ गया,
ठीक है, मुझे डेरिवेटिव्स मतलब एब्सोल्यूट वाली क्यों चाहिए उसकी, ये क्यों देखना है मुझे, क्यों इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये भी समझ आ गया। लेट्स जस्ट सी कि हम डबल डेरिवेटिव क्यों कैलकुलेट करते हैं, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुझे डबल भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ते हैं। बिकॉज जस्ट सो यू नो, डेरिवेटिव्स हम मैक्सिमम टाइम में सिंगल और डबल करते हैं, उससे आगे नहीं करते जनरली। कर सकते हैं, वी कैन डू एन टाइम्स डेरिवेटिव, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस चीज को, बट व्हाई इज इट मोर लॉजिकल टू डू टू टाइम्स इन अ 2D प्लेन। अभी हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं, 2D प्लेन। मोर इटरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन विल मेक सेंस इन 3D प्लेन। तुमने पता है, तुम 3D कर चुके हो अपनी इकोनॉमिक्स में। एक चीज से कहता हूँ तुम्हें, यू हैव सर अगेन, मतलब दिस इज व्हाट आई कॉल लाइक स्टार्टिंग, लाइक मतलब तुम पढ़ चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं कि हो क्या है। जैसे तुमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है ना, इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम होता है लेवल कर्व्स। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। हाँ, लेवल कर्व्स का मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें, व्हाई इज इट कॉल्ड लेवल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे चीज। आप एक बात बताओ मुझे, आंसर मी अ फ्यू बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन। फॉरगेट कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल फॉरगेट कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल क्वेश्चन बताओ। अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल देता हूं तो डायमेंशंस कितने हैं? एक 1D। अगर मैं दो वेरिएबल्स देता हूं तो डायमेंशंस कितने हैं? टू डायमेंशंस। एंड अगर मैं थ्री वेरिएबल्स देता हूं, डायमेंशंस कितने हैं? थ्री। जब मैं इनडिफरेंस कर्व बनाता हूं, मेरे पास डायमेंशंस कितने होते हैं? एक ही होता है तो अगर जैसे इनडिफरेंस कर्व के लिए मतलब मेरे पास दो कमोडिटी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं कमोडिटी एक्स। पर वो तो बट हम सिंपलिसिटी के लिए दो लेते हैं ना, वो हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी की बात करते हैं, दो ही की बात करते हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी बट वाई। इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है? आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। मैं कह रहा हूँ दो की बात करते हैं, कर सकता है एन डायमेंशन में जाओगे, बट मैथमेटिकली से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी इकोनॉमिक्स में दो ही की बात करना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा में फिर तुम्हें प्रोग्राम्स की यूज करना पड़ता है हाँ समझने के मतलब लिए। करते तो है, लेकिन उनमें नीचे मेंशन होता है अच्छा, एक और कि बात, दिस इज नॉट अ 2D ग्राफ, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। मतलब यू माइट थिंक दिस इज अ 2D ग्राफ, बट दिस इज नॉट, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। तुम एक फंक्शन लेते हो इंडिफरेंस कर्व के लिए, और तुम्हें ये मे बी पता भी हो, जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है, टोटल यूटिलिटी जो तुम्हें मिल रही है, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ समथिंग एक्स, लेट्स से a1x जो कांस्टेंट है, प्लस b1y। b1 नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन किससे सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, किससे कम होती है। तो बेसिकली दिस इज आर इनडिफरेंस, मतलब इनडिफरेंस कर्व के लिए ये लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोच के देखो ना, x और y डिफरेंट आपको क्या दे रहा है, यूनिट्स ऑफ x और y, और उससे आपकी क्या बढ़ रही है, यूटिलिटी बढ़ रही है उसके, मतलब यूटिलिटी तो मेजर करते हैं। कैसे इनडिफरेंस कर्व बनाते कैसे, वी वांट की p ऑफ u क्या रहे। एक इंडिफरेंस कर्व कैसे प्लॉट होता है, एक कांस्टेंट यूटिलिटी पे मुझे क्या क्या डिफरेंट बंडल्स मिल सकते हैं, एक कांस्टेंट यूटिलिटी पे मुझे क्या क्या डिफरेंट बंडल्स मिल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट बंडल्स ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच गिव्स अस द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो व्हाट इज दिस मेजरिंग, दिस इज मेजरिंग द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मेरा तीसरा वेरिएबल है, जो कि मेरे इंडिफरेंस कर्व में, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, एक्स वाई लिखने की जगह आई विल राइट सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना। जेड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो कि इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है मेरा। हाँ, तो प्रॉब्लम है इसकी, अगर मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल भी थर्ड वेरिएबल है, तो दिस मींस आवर ग्राफ इज नो लॉन्गर अ टू डायमेंशनल ग्राफ, इट इज अ थ्री डायमेंशनल ग्राफ। Now, how do we tackle the problem of a three dimensional thing to plot it in two dimensional thing? Now, let me ask you this question. तुम्हें एक क्यूब को 2D में दिखाना है, कैसे दिखाओ? क्या? That's one of the best thing कि मतलब मैं उसके ओपन करके दिखा दूँ। तुम्हें एक स्फेयर को दिखाना है, तुम कैसे दिखाओ? एक सर्कल तो इनफ नहीं है, सर्कल तो सिलेंडर भी हो सकता है, तुझे दिखाना है कि वो स्फेयर है, कैसे दिखाए? सोच के देखो, जस्ट दिस इज द मोर लाइक क्या, तो फिर तो हाँ, तो हेमिस्फेयर होगा, वो स्फेयर थोड़ी हो। स्फेयर कैसे दिखाओगे तुम 2D में? तो हेमिस्फीयर को छोटा कर देंगे, अच्छा, मतलब तुम्हें पता है एमआरआई क्या होता है? एमआरआई पता है ना तुम्हें? एमआरआई एमआरआई स्कैन की बात कर रहा हूँ, मेडिकल बात कर रहा हूँ मुझे। स्कैन एमआरआई स्कैन, स्कैन मैग्नेटिक वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक। रेजोनेंस इमेजिंग। हाँ तुम्हें पता है ना, एमआरआई स्कैन जो आते हैं वो 3D दिखते हैं, हाँ जी पर तुमने कभी किसी ने एमआरआई स्कैन देखा है? वो जब पेट में आता है, बहुत सारे सेम सेम इमेजेस होते हैं। नहीं मे भी तुमने मैंने देखा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें एक चीज और सोचने की जरूरत है, एमआरआई तुम्हारे बॉडी का एक 3D डायग्राम बना रहा है, पर कैसे बना रहा है तुम्हें पता है? इमेजेस के स्लाइसेस ली,
तो बेसिकली रादर दैन पूरा स्कैन करने के, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मशीन टू डू, इट टेक्स इमेजेस इन स्लाइसेस और फिर उस स्लाइस को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है. इट्स लाइक कि मुझे एक पतले से स्लॉट के थ्रू, लेट्स से तुम्हारे तुम्हें पिगी बैंक के अंदर अपना एप्पल स्टोर करना है, पिगी बैंक के अंदर एप्पल स्टोर करना है, तो मैं क्या करें क्या करें. फिर तुम क्या करते हो, अपने एप्पल को पत्ते 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 पीसेस में काटते हो और जब पिगी बैंक में फीड करते जाते हो. ठीक है, तो क्या हो गया, एप्पल तो पहुंच गया ना पूरा का पूरा. तो स्फीयर को अगर तुम्हें 2D में एक्सप्रेस करना हो, तुम क्या करोगे, पहले एक पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे, देन एक छोटा सर्कल, देन एक बड़ा 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 सर्कल, फिर उस सर्कल को छोटा करते जाओगे. तो 2D में क्या रिप्रेजेंट हो गया, एक स्फीयर रिप्रेजेंट हो गया. थिंक अबाउट इट कि अगर मैं 2D में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं इमेजेस रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो एक 2D के थ्रू एक स्फीयर को पास करो, क्या होगा, पहले क्या दिखेगा तुम्हें, पॉइंट, देन वो पॉइंट बड़ा होता जाएगा, देन वो छोटा होता जाएगा. अरे स्फीयर है, पहले क्या होगा, पहले मैक्सिमम लेंथ तक दिया, फिर छोटा हो गया. बस ऐसे सोचो कि अगर मैं, ये देखो, अगर लेट्स जस्ट से कि इस क्यूब की बात करते हैं, अगर मैं इस क्यूब को इसके थ्रू ले जाऊंगा हाथ के थ्रू, तो क्या स्क्वायर दिखेंगे ना, कंजर्वेटिव स्क्वायर दिखेंगे. तो भाई अगर ये स्फेयर होता तो क्या दिखता मुझे, अगर मैं सिलेंडर को ले जाता, छोटे से बड़ा हो रहा होता और फिर मैक्सिमम जब उसके डायमीटर पहुंच गया, फिर क्या होने लगता, फिर छोटा होने लगता. अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज स्लाइसिंग, दिस इज व्हाट इज नोन एज. मैं ये कैसे बोलना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि तुम्हारे पास एक ये है, तुम्हारे पास क्या है, लेट्स से मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तुम समझोगे. बोलना एक सेकंड, ये है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है. अगर मैं इसके थ्रू बॉल पास करूंगा तो क्या होगा, इसके ऐसे ऐसे स्लाइसेस दिखेंगे मुझे. इट्स लाइक चॉप कर रहे हैं हम उसको स्लाइसेस में, पतले पतले स्लाइसेस में, कि मैं उसको इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो उसके पतले पतले स्लाइसेस दिखेंगे ना, बस अलग अलग डायमेंशन. किधर से देख, तू यहां से देख रहा है, फ्रंट से, तू यहाँ पे खड़ा है. चलो मतलब ये साइड में जा रही हाँ, है। ये तेरे साइड व्यू में, मतलब ऐसे ही खड़े हैं, इससे ऐसे बॉल जा रही है, हाँ पतले पतले स्लाइसेस दिख रहे हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज स्लाइसिंग. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन डिफरेंस कर्व. नाउ यू यू माइट थिंक हाउ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ दिखता कैसा है, एक्चुअली टोटल यूटिलिटी कैसे दिखती है, एंड यू विल सी कि उससे इंडिफरेंस कर्व कहाँ से आता है. योर मैथ्स इज इकोनॉमिक्स, यू आर स्टडिंग अप्लाइड मैथ्स. हाँ, धीरे. सो लेट्स जस्ट से आई मेक अ 3D डायग्राम. सो आई एम गोइंग टू मेक अ 3D डायग्राम फॉर यू. ध्यान से देखना. तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं लग रहा है, क्या क्या थ्री डायग्राम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? डेरिवेटिव्स इज इन योर सिलेबस, लेवल कर्व्स और ये डिफरेंस कर्व. कुछ और मैथ्स का पढ़ रहा हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये कोर दिस मैथ्स इज है एक नहीं, नो एक और मैथ्स बिल्कुल भी नहीं, या अपने कोर्स का पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, नॉट रियली. मतलब दिस इज नो वो पार्ट यार ऑफ नो मैंने कोई कोर्स. पिक्चर ऐसे तो देखी तुम इसे 3D इमेजिन कर पा रहे हो? भी तुम इसे 3D इमेजिन कर पा रहे हो? दिस है। हाँ मतलब इज मतलब 3D थिंग. ये ऐसे ना अर्थ होती थी, अर्थ का जब वो क्रस्ट दिखाता था हाँ क्रस्ट मैं हाँ तो बेसिकली मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, कि तुम्हारे पास ऐसा ग्राफ है. अब इस ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक्सेस आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल यूटिलिटी, जो जेड इक्वेशन थी आपकी, ये आपकी कमोडिटी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी कमोडिटी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ इफ आई स्टार्ट स्लाइसिंग दिस डाउन, स्लाइसिंग डाउन मतलब मैं एक प्लेन लेता हूँ, प्लेन पेपर का लेता हूँ, और उससे मैं ट्रैक करना स्टार्ट करता हूँ. तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, वैसे वैसे इफ यू थिंक अबाउट इट, मेरे पास ग्राफ कैसा दिखेगा, बढ़ता जाएगा ना, ऐसा. जो बढ़ेगा हाँ, क्योंकि वो नीचे से जा रहा है तो बढ़ेगा बढ़ रहा है. एग्जैक्टली, ना। तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो बेसिकली अगर कर्व बनाऊंगा मैं उसका, तो उसका कैसा, पहले ऐसा कर्व था, फिर ऐसा कर्व आएगा, फिर ऐसा कर्व आएगा. दिस इज हाउ योर इंडिफरेंस कर्व. एंड हाउ डू यू थिंक, मतलब द बेस्ट वे टू इमेजिन इज कि कॉन्टोर लाइंस के बारे में सोचो. तुमने देखा है कभी कॉन्टोर लाइंस क्या होती है, बताता हूँ. पहाड़ देखे कभी तुमने, पहाड़ कैसे बने होते हैं 2D मैप पे, ऐसे डायग्राम्स बने होते हैं, देखा है तुमने? तो तुम्हें इसको देख के पता क्या चलता है, कि इस पॉइंट पे सर ये हाइट होगी ज्यादा, इसकी इस पॉइंट पे ज्यादा हाइट होगी, इस पॉइंट पे कम हाँ हाइट होगी. दिस इज व्हाट आई सी इज, कि वो तुम्हें बता रहा है एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टोर लाइन्स क्या बनेंगे. सो इट्स नॉट अ 2D ग्राफ, इट्स अ 3D ग्राफ इंटरप्रेटेड इन अ 2D ग्राफ. सब क्या 4D हो सकता है, बट हम तो काम टू कॉमन 4D में, 4D में बना नहीं सकता. यू अंडरस्टैंड, 4D कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन 3D. 4D कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन 3D. सो दिस इज व्हाट आई से, कि अब सोच के देखो कि ये होता है. इसलिए पता है क्या होता है, सीनियर क्लासेस में ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम आईसी का स्लोप क्यों निकालते हैं. एंड इवेंचुअली यू विल स्टडी इन सीनियर क्लासेस कि हम आईसी का ग्रेडियंट निकालते हैं, स्लोप तो निकालते भी नहीं. ग्रेडियंट क्वालिटी होती है क्या ग्रेडियंट इन मैथ्स, ग्रेडियंट इन मैथ्स इज सेम एज, जैसे स्लोप होता है ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप हमने पढ़ा कि एक
एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या करेगी, टेंजेंट होगी उस पॉइंट से, ग्रेडियंट होता है 3D में एक स्ट्रेट स्लोप जो कि उस पॉइंट से टेंजेंट होगा। अच्छा मतलब कि तो बेसिकली 3D वर्जन ऑफ स्लोप, काइंड ऑफ लाइक 3D सर वर्जन ऑफ तो स्लोप। अप्लाइड में आ ही नहीं सकता, अप्लाइड में 3D कुछ है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है 3D नहीं है, किसने कहा तुम्हें? तुम अप्लाइड कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करोगे सीनियर क्लास में। क्या करेंगे कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इज नोन एज लाइक मतलब 3D ऑप्टिमाइजेशन। सर, किसने कहा तुम्हें? अप्लाइड नहीं, तुम्हें लग रहा है अप्लाइड मैथ्स ही। कॉलेज कॉलेज इज एवरी मैथ्स फ्रॉम नाउ ऑन दैट यू स्टडी, एवरीथिंग दैट यू स्टडी। कॉलेज हाँ, जो भी तुम मैथ्स करोगे वो अप्लाइड मैथ्स ओके, ही। मतलब ये बीकॉम ऑनर्स में भी होगा ये नो नो, इफ एट ऑल यू स्टडी, या देयर इज अ पार्ट ऑफ इट व्हिच हैज अप्लाइड मैथ्स, मतलब अप्लाइड का तो दे सिंगिंग विल का तो कॉल इट मैथ्स बट इट्स स्टिल अप्लाइड मैथ्स। अगर तुम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स में मैथ्स लगा रहे हो, इट इज अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, नाउ लेट्स लेट्स गेट बैक टू अंडरस्टैंडिंग कि हमने स्लोप्स वगैरह पढ़े। लेट्स गेट बैक टू वन मोर थिंग कि हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, अगर मैं इस गुड एक्स गुड वाई को मिटा दूं, एक और चीज डिस्कस करी थी हमने कि हम डबल डिफरेंशिएशन कब निकालते हैं। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नाउ सेम इसकी बात करते हैं, सेम इसकी बात करते हैं। लेट्स जस्ट से कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपने क्या अभी तक क्या सीखा है? स्ट्रेट लाइन। बट डू यू एक्चुअली बिलीव इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन? आई थिंक यू वुड नॉट। यू वुड से कि मतलब हो सकता है ना कि वो स्ट्रेट लाइन ना हो, ये भी तो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ना हो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नो लॉन्गर वर्क। स्ट्रेट लाइन नहीं होती है जब, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्क नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखना, मैं इस ग्राफ की बात करूं, ठीक है? सो व्हेन आई मेक अ ग्राफ लाइक दिस, एस शेप ग्राफ, अब मैं आपको बताता हूं डबल डिफरेंशिएशन क्या करता है। डबल डिफरेंशिएशन आपको हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे स्लोप बदल गई, वहां पे एकदम से स्लोप बदल गई, मतलब इंक्रीजिंग से स्लोप क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, डिक्रीजिंग से स्लोप इंक्रीजिंग हो गई, ऐसा कुछ हो गया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देता है वो आप, पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ चेंज नहीं। सी द थिंग इज, व्हेन आई से पॉइंट ऑफ चेंज, तो पॉइंट ऑफ चेंज तो हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जो मेरा, देखो डबल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, एक बता रहा था डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बता रहा था, डबल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज बता रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या देगा, वो आपको ये दे देगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो वो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। मी नहीं, वो आपको बता रहा है कहाँ पे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, कहाँ पे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, ये बता रहा है, वो और कुछ नहीं बता रहा। स्ट्रेट क्या लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्लोप है तो उसके मतलब उसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही नहीं है। नाउ अब देखो, अब डबल डिफरेंशिएशन से मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले, और अगर मैं चेंज इन स्लोप बता पाऊं, अगर मैं चेंज इन स्लोप बता पाऊं तो मैं ये बता सकता हूं कि इससे पीछे और इससे आगे क्या हो रहा था। मीनिंग कि जब मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया तो उसके बाद मेरा कॉस्ट बढ़ रहा था या मेरा कॉस्ट कम हो रहा था, जो भी जिस भी चीज का ग्राफ है। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन टुगेदर डज। अभी अगर आपको सिर्फ ग्राफ से समझ आ रहा है ये काफी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे दिस विल बिकम इवन मोर क्लियर, सिंस यू ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप उसको अच्छे से और फॉलो कर पाओ। सिर्फ हाँ, नाउ एक और लास्ट बात करते हैं। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ बनाए, मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाई वो सब उन ग्राफ के लिए था जिनका जो डिफरेंशिएट हो सकते थे। लेट्स डिस्कस कि कौन सी चीजें डिफरेंशिएट नहीं हो सकती या कौन सी चीजें कॉन्टिन्यूस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है। कॉन्टिन्यूटी इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, ग्राफिकली एटलीस्ट। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफ जो मैं बिना पेन उठाए बना पाऊँ एक बार। अगर एक बार में मैं कोई भी ग्राफ बना पाऊं तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल आई मेक अ ग्रीन ग्राफ, मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा, ये कॉन्टिन्यूस है। इफ आई मेक अ ग्राफ लाइक दिस, दिस इज नो लॉन्गर कॉन्टिन्यूस, दिस आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ कॉन्टिन्यूटी कैन ऑल्सो भी डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर डोमेन। सो यहां से यहां तक ब्लू वाला ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन मतलब पूरे डोमेन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं है? नो, इट इज कॉन्स्टेंट एट सम बिटवीन टू इंटीग्रल वैल्यूज, बिटवीन टू इंटीग्रल वैल्यूज इट इज कॉन्टिन्यूस। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो अगर उसका पूरा डोमेन हमें पता हो तो पूरे डोमेन में वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वो
मतलब कुछ पॉइंट के बीच में वो कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोच के देखना हो तो तू बता, मतलब अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाऊं, क्या मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पेन उठाना पड़ रहा है, मतलब अगर इन अलग दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो नहीं, बस कंटिन्यू तो उस चीज के लिए है, बेसिक लॉजिक, बस उस जगह उतनी के लिए। जगह पे, हाँ उतनी जगह पे कंटिन्यू है। एग्जैक्टली, पूरे डोमेन में नहीं है, पूरे अपने डोमेन में नहीं है, थोड़े क्या जो वैल्यू है उस फंक्शन की, जो ले नहीं सकते, जो वैल्यू है जो वैल्यू रेंज होती है, जो वैल्यू आएगी। तो बेसिकली एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, वाई की जो वैल्यूज है, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो उल्टा भी कर सकते हैं, सेम ही ऐसा रहेगा। होता है, फंक्शन को हमेशा ऐसे प्लॉट कर। तो नहीं मतलब कि डोमेन तो होती है जो हम वैल्यू उसके अंदर इनपुट डाल हाँ, तो सकते ये हैं। इनपुट है और ये आउटपुट है, इनपुट है और ये आउटपुट है, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी, स्पेशली डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अब, ये तो हुआ कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हुआ। कंटिन्यूअस मतलब पेन नहीं उठा सकते। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उसे जिसे हम पूरे थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर पाए, उसे जैसे हम पूरे थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर पाए। अब ये मैंने तुम्हें 11th में पूछा था, मैं 12th में पूछूंगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ जो कि कॉन्टिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या और होता है। कोई पर डिफरेंशिएबल ना हो। हाँ, तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें कॉन्टिन्यूटी की वो भी बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम कोई भी पॉइंट उठाते हैं, कोई भी पॉइंट उठाते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वैल्यू इज ए, तो पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ ए, हम चेक करेंगे क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट ए, लिमिट ए टेंड्स टू सॉरी एक्स टेंड्स टू ए ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मैं राइट हैंड साइड से जब आता हूँ और मैं लेफ्ट हैंड साइड से जब आता हूँ और मैं जब उस पॉइंट पे रहता हूँ, ठीक है, वो तो फंक्शन का टेस्ट होता है, वो है फंक्शन का टेस्ट होता है। कंटिन्यूटी के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि फॉर ऑल पॉइंट्स अगर ये ट्रू है कि जो लिमिट की वैल्यू राइट हैंड साइड से आ रही है, जो लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, और अच्छा जो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू है, अगर वो तीनों सेम है तो हम बोलते हैं वो कंटिन्यूस। अगर सिर्फ ये दोनों होता है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर ये भी हो तो हम बोलते हैं क्या है, कंटिन्यूस कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल के लिए द कंडीशन इज, अगर हमें किसी चीज की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी, तो हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इस पे ग्राफ में हम ये चेक करते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, विच गिव्स द डिफरेंशिएशन जो जीरो पे मिल रही है हमें जब हम एच उससे दूर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड से जो उसकी स्लोप आ रही है, दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। सॉरी, ये होगा एक्स प्लस एच जो है वो राइट हैंड है, राइट हैंड से हमें क्या स्लोप मिल रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बेसिकली ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इसके पास आते जा रहे हैं तब स्लोप क्या है, वैल्यू नहीं फंक्शन की, स्लोप क्या है, और जैसे जैसे हम इस साइड से आ रहे हैं तो स्लोप क्या है। तो बेसिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन तब होता है जब हम दोनों साइड से सेम स्लोप पे रीच करते हैं, अगर हम अलग अलग स्लोप पे जा रहे हो तो फिर नहीं होगा। बट द क्वेश्चन इज कि ऐसा कब होगा कि हमारे ग्राफ कॉन्टिन्यूस हो लेकिन स्लोप अलग हो, दो पॉइंट एक पॉइंट के आसपास, कब हो बताओ। सर स्लोप हमें डी वाई और डी एक्स से ही निकालना है, दूसरे मतलब से आप निकाल सकते हो, मतलब कोई फर्क नहीं अगर पड़ता अगर एक्स वन वाई वन वाले से निकालें तो अलग आ सकते हैं। एक्स, हाँ मतलब क्योंकि अगर वो पॉइंट थोड़ी कर्व्स है ना, एक्स वाई, बेसिकली पहले हमने कंटिन्यूटी की बात करी, ये सारे के तुम्हें अभी ऑब्वियसली दोबारा नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अभी हम देख रहा हूं मैं कि आपको कितना याद है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो फिर उसमें तो स्लोप कांस्टेंट ही तो है, क्या दिक्कत है। नहीं मतलब पूरा डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं कहना चाह रहा, आगे पीछे भी। हाँ मतलब वाले ऐसा बनाता हूँ, तुम मुझे बताओ इस पे कौन से पॉइंट पे, अच्छा पहले तो फंक्शन बनाता हूँ कि दिक्कत ना हो। मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो इसमें कौन से पॉइंट पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल, कोई पॉइंट होगा ना जिस पॉइंट पे स्लोप उसके आसपास की स्लोप उसके इक्वल नहीं हो,
मतलब आसपास की लोग अलग अलग होगी इसके वो जो जहां पे एक्स एक्सिस पे लाइक करना है। ये हाँ इस पॉइंट पे आगे से आओगे तो भी स्लोप वन के पास आएगी, इससे जाओगे मतलब स्लोप इक्वली आएगी। स्लोप क्या होती है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं इसके आसपास, इसके आसपास इस पॉइंट को लेते हैं और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट लेते हैं, दोनों तीन तो लाइन आ रही है और वो भी इनफाइनाइटली क्लोज होंगे वो पॉइंट्स, इनफाइनाइटली क्लोज। पर फिर किसी का मन कर सकता है कि सर ऐसा ग्राफ बोल देते जिसमें एम्प्टी हो, बट वो तो कंटिन्यूस ही नहीं, डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कंटिन्यूस हो डिफरेंशिएबल ना। सोचो 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 मॉड फंक्शन पर कहाँ। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू थिंक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन व्हिच इज मॉड फंक्शन एंड यू विल टेल मी इज दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। यू टेल मी अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जब मैं थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूँ तो स्लोप क्या आती है, इस लाइन की स्लोप क्या है? अच्छा मॉड एक्स में लिखना सिखाता हूँ तुम्हें, तो मैं याद होगा ऐसे तो, लेकिन फिर भी मैं लिखना सिखा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को हम लिखते हैं इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मुझे बताओ कि वाई इससे ऊपर जब है, जब इससे ऊपर है तो इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू एक्स। इससे नीचे है तो इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ऊपर है तो स्लोप क्या है? वैल्यू ऑपरेटर बताओ ना इसके, डीवाई ओ डी एक्स निकाल सकते तो डीवाई ओ डी एक्स कितना है इसका? वन। और यहाँ पे स्लोप क्या है? माइनस वन। सो सी एक जगह पे स्लोप प्लस वन। ये कंटिन्यूअस थोड़ी पे तो जाना पड़ेगा। कहाँ क्यों लाना पड़ा, कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ उठाना पड़ा पेन? यस इन फैक्ट मॉड एक्स इज अ वेरी फॉर्मल एग्जांपल ऑफ सच अ थिंग। आई विल गिव यू अ वेरी इनफॉर्मल एग्जांपल। माइनस एक्स मतलब नीचे कहाँ, उससे नीचे कहाँ पर आएगा जो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। वाई नहीं माइनस एक्स कहाँ पर हुआ है? नहीं वाई माइनस एक्स तब होता है जब एक्स लेस देन जीरो। नहीं यहाँ पर वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स हमने कहा ना, जब ये रहा ऊपर ये जाए पॉइंट, ऊपर जाए ये सारे पॉइंट्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। क्यों? इसका स्लोप क्या है? क्योंकि ये माइनस एक्स की नेगेटिव साइड पे लाइन कर रहा है। नहीं 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 ओ, ये देखो इस लाइन का स्लोप बताना। अगर मैं इसके दो पॉइंट दे देता हूँ वन कॉमा वन, मैं स्लोप दे रहा हूँ दो तुम्हें, वन कॉमा वन एंड टू कॉमा टू, स्लोप बताना इसका। वन वन इस लाइन का स्लोप बताओ, वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन माइनस वन वन ही है इसका भी। माइनस वन, वन माइनस वन टू माइनस वन। तो जब ग्राफ ऐसा होता है तो स्लोप माइनस वन, जब ग्राफ ऐसा होता है तो स्लोप प्लस वन। दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो अपवर्ड में पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है। तो बेसिकली दिखा तो दिया तुम्हें दोनों की इक्वेशन लिख के, डिफरेंशिएट तुमने डिफरेंशिएट करके वैल्यू बताई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन। सो बट दिस इज अ मोर लाइक अ फॉर्मल एग्जाम्पल, इनफॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा ग्राफ जो स्मूथ ना मतलब कंटिन्यूस हो पर स्मूथ ना उबर, मतलब ऐसा तो मतलब उबड़ खाबड़ हो, मतलब ऐसा, ये भी है, ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। ये मतलब स्मूथ है, मतलब कितना भी चाहे इतने भी बना दूं मैं पतले पतले स्मूथ है, लेकिन जब मैं ऐसे तो प्रॉब्लम गाड़ी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अभी जो हमने कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ करा था ना, डिफरेंशिएशन से नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंशिएबल ही नहीं, जो पॉइंट तुम्हारा सोल्यूशन आ सकता है उसको डिफरेंशिएबल ही नहीं। और भी बहुत सारे होते, इसलिए इसलिए जब मैं अपनी क्लास में डिफरेंशिएशन से वो नहीं सॉल्व करता, क्या बोलते हैं, जैसे तुमने क्या सीखा है, एमयूएक्स अपॉन पीएक्स इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पीवाई, इससे क्या इक्विलिब्रियम आ गया। हम करते ही नहीं ऐसे, हम कहते हैं एमयूएक्स अपॉन पीएक्स और एमयूएक्स अपॉन पीवाई तो तब करेंगे ना जब डिफरेंशिएबल हो, या स्लोप एमआरएस तो हम तब निकालेंगे ना स्लोप निकाल पाए, जब हम स्लोप ही नहीं निकाल सकते। अगर हम स्लोप ही निकाल सकते हो मान से कैसे सॉल्व करें, तो मेरी हमारी क्लास में ऐसे नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हें प्लॉटिंग ग्राफ सिखा रहा हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे होगा, अच्छा ये पॉइंट निकाल, इसलिए ग्राफ बनाना जरूरी है। क्योंकि जब तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दे दिया तुम्हें क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने बैठ गए बच्चे, डिफरेंशिएट से जो आंसर आया इट मेक्स नो सेंस। डिफरेंशिएट तुम हर चीज को कर सकते हो बट इट वुड नॉट मेक सेंस, इट वुड जस्ट नॉट मेक सेंस बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दैट डोमेन। Just because something is non-differentiable does not mean you cannot differentiate it through your rules. तुमने जो rules लगे हैं ना वो तुमने randomly सीख ली कि power rule लगा देंगे, ये लगा देंगे। Mod S का सोचो ना, तुम तो mod S को भी differentiate कर दो,
ही दोगे ना कि एक्स रिटर्न जीरो तो ये नॉट जीरो, तो अरे डिफरेंशिएबल ही नहीं था वो, डिफरेंशिएबल ही नहीं था। तो अंडरस्टैंड रूल्स बने हैं जब तुम ये कंडीशंस मीट कर लो तब, बट इवेंचुअली हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम भूल जाते कंडीशन क्या थे, कुछ कुछ अजम्पशन थे भूल जाते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम टोटल यूटिलिटी वाला पूरा पढ़ते हैं कि यूटिलिटी को हम क्या ले रहे हैं मेजर कर सकते हैं, जब एम यूएक्स अपॉन पी में क्या कर देते हैं कि यूटिलिटीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है ये सारे अजम्पशन लेते हैं। एंड देन कोई पूछता है कि यार अगर मैं यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकता तो एम यू एक्स क्या लिखूंगा, यू आर लाइक पता नहीं, क्योंकि अजम्पशन तो तुम भूल चुके हो। आईसी करते ही क्यों है, क्योंकि वो अजम्पशन को हटाता है वो वाले कि मेजर नहीं कर सकते। आईसी में क्या कर रहा है, मेजर थोड़ी कर रहा है, रैंक कर रहा है, कह रहा है वो दो चीजें लो, कह रहा है तेरे बस की नहीं है बताना कि कितने ये कितने की तुझे कितनी कितने यूटिल्स किया तेरे लिए, तो तू बस बता इसमें से बेटर क्या है और मैं आगे कर लूंगा। वो ज्यादा लॉजिकल सेंस है, वो ज्यादा लॉजिकल सेंस है, इसलिए आईसी ज्यादा लॉजिकल है, इसलिए मैं आईसी समझा रहा हूँ, नॉट ओपिनियनली बता रहा हूँ। All of these things, the reason for assumptions is simple, and this is the reason differentiation is very powerful but very limited. क्योंकि तुम्हें जब मैं कोई यूटिलिटी फंक्शन दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी यूटिलिटी डिराइव करूंगा, और तुम अपनी यूटिलिटी बताने टाइम मन में ये सोच रहे होगे कि यार डिफरेंशिएबल बने तो थोड़ा स्मूथ बताता हूँ, अरे स्टॉक मार्केट के प्राइस है वो क्या धीरे धीरे जाएगा कि नहीं 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 पीक नहीं लाना मेरे को, थोड़ा सा नीचे ऐसे चला जाता हूँ, नो तो नॉट ऑल थिंग्स विल बी डिफरेंशिएबल। सो दीज आर अगर ठीक आ जाएगी तो मॉड फंक्शन टाइप बन जाएगा। हाँ मतलब फिर हमें अलग अलग टूल्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन 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 रिमेम्बर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन अप्लाइड मैथ्स और इन जनरल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू होपिंग कि आप लोग मैथ्स कंटिन्यू करते हो इज कि हाउ टू यूज योर टूल्स। टूल्स सबके पास होते हैं करना सबको, अगर मैं आपको एक स्क्रू दूं और एक स्क्रू ड्राइवर दूं सबको फिट करना आता है, बट मैं आपको एक मशीन दूं और सारे इक्विपमेंट दूं कौन से लगने हैं वो किसी को नहीं आता। That's what makes you an economist, one of the highest paid jobs. That's what makes you good at finance. That's what makes you good at investment banking. This is decision making. तो आपको स्कूल लेवल पे क्या सिखाया जा रहा है? क्वेश्चन सॉल्व कर। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्वेश्चन सॉल्व करो, बट समझो क्यों, कैसे और कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो एवरी टाइम यू सॉल्व अ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और सब कुछ लिखते हो, रिमेंबर इन योर माइंड व्हाट वर योर अजम्पशंस, and then that is what is the difference between a 98, 99 and 100, because एक क्वेश्चन होगा बोर्ड में सिर्फ ऐसा जो ये डिसाइड करेगा कि बच्चे को कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है। याद रहा मैं तुम्हें मैथ का बताया था डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, एक क्वेश्चन तो सबका डिसाइड कर पाया तो तुम्हें समझ कितना है। हाँ ठीक है 99 सब ले क्या बड़ी बात, 98 ले वो भी बड़ी बात है, बट 100 लाने के लिए यू शुड नो 100% अबाउट योर सब्जेक्ट, क्योंकि 100 बेइज्जती है ना वरना 100 की, कि मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें इकोनॉमिक्स के अजम्पशन नहीं पता तुम्हारे 100 आ रहे हैं, तो क्या कहता है सीबीएसई के बारे में इन जनरल अगर कुछ कहता है, तो अगर उमेश कल भी पढ़ता है तो कि वो पेपर फिर तभी मैं तुम्हें क्या डीसी के टेस्ट मुश्किल क्यों होते हैं, बिकॉज व्हेन यू स्कोर 100 यू शुड हैव दैट फीलिंग कि मुझे ये चैप्टर के बारे में सब कुछ आता है, दैट इज द सैटिस्फैक्शन आई वांट फ्रॉम यू टू ड्राइव। एंड एवरी टाइम यू स्कोर लोअर देन 100% और 50% 60% यू शुड रियलाइज देयर इज अ लॉट टू लर्न, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट बीइंग यू, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि हम इवेंचुअली जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको दोबारा से सब कुछ डिस्कस कराऊंगा ही। द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद वी विल स्टार्ट बाय ट्राइंग टू प्रूव डिफरेंट फंक्शंस, एंड प्लीज फंक्शंस रिवाइज करके आना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एटलीस्ट, जिससे आपको समझ आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि पीस वाइज नहीं बना पाओगे ना, वरना पीस वाइज बनाना आना चाहिए। पीस वाइज मतलब समझते हो ना, ये जो मैंने यहाँ पे करा, जो मैंने मॉड एक्स को यहाँ पे दो पीस में स्प्लिट कर दिया, तो आपको पीस और पीस वाइज ही आते हैं बोर्ड में, डिफरेंशिएबिलिटी के एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस पीस वाइज ही आते हैं, ये भी नहीं बोल रहा कुछ और आएगा ही नहीं, पीस वाइज ही आएंगे, तो यू नीड टू लर्न अबाउट दोस। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इट वुड मेक मोर सेंस, दैट्स ऑल वी विल डू।